स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अरविंद सर द्वारा एक नायक सीरीज चला जा रही है। हम उसका रैपिड फायर रिवीजन अपने YouTube चैनल पर कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं, वो कि अपने नोट्स से हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि इन 2010 में रिकॉग्नाइज ऑफ इट्स आउट स्टैंडिंग वैल्यू एंड वल्नरेबिलिटी यूनेस्को रिकॉग्नाइज मुदियर टू की बात कर रहा है। मुदियर टू की बात कर रहा है कि वो यूनेस्को में कब ऐड किया गया। अब देखिए, मुदियर टू पहली बात है कहाँ का, मुदियर टू वो कहाँ का है, वो है केरला का। अच्छा, अब देखिए टोटल यूनेस्को की हेरिटेज साइट में टोटल कितने हैं, टोटल है 15, जिसमें 2008 में कुटियाट्टम, दूसरा वैदिक जब, तीसरा रामलीला ये ऐड किए गए थे। यहीं 2010 में छऊ, कलबेलिया और मुदियट्टू ये तीन ऐड किए गए थे। अब देखिए, योग को 2016 में ऐड किया गया था, कुंभ मेला को 2017 में, और जो दुर्गा पूजा होती है वो 2021 में 14वीं ICS साइड है, और जो हाल ही में ऐड की गई है वो है गरबा, जो कि गुजरात में मनाया जाता है, 15वीं ICS साइड है। अब देखिए, यहीं पर हम बात करते हैं टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है। तो इंडिया की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 42, जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिश्रित हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लाहौर जो डांस स्टाइल है वो कहाँ का है। देखिए, जो लाहौर डांस स्टाइल है वो कहाँ का है, वो है मेघालय के। अब देखिए, मेघालय के और डांस स्टाइल हैं उनको भी हम देखेंगे। देखिए, जो नॉक फ्रेम है वो भी कहाँ का है, मेघालय का है, और मेहदी कलम भी कहाँ का है, मेहदी कलम भी मेघालय का है, और तीसरा सात सुख और बंगाला, और चौथा खांसी, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी भी मेघालय के डांस स्टाइल हैं। अब देखिए, हमने ऊपर देखा था मुदियट्टू कहाँ का था, केरला का था। अब देखिए, हम केरला के भी कुछ देखेंगे। तो देखिए, केरला के कौन कौन से, एक कथकली है, दूसरा मोहिनीअट्टम, कहाँ का डांस स्टाइल, वो केरला का है। तीसरा, गंगूबाई हल्कर किससे एसोसिएटेड है। देखिए, गंगूबाई हल्कर किस घराने से हैं, वो किराना घराने से हैं। अब देखिए, किराना घराना है कहाँ का, किराना घराना यूपी के मुजफ्फरनगर से निकला हुआ है। अब देखिए, इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन है, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, करीम खां। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो और आर्टिस्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, बलदेव सिंह बाली किससे रिलेटेड हैं, बलदेव सिंह बाली रिलेटेड हैं किराना घराना से। अब्दुल वाहिद खान, भीम सिंह जोशी और उपेंद्र भट्ट, ये सभी किससे रिलेटेड हैं, ये सभी किराना घराना से रिलेटेड हैं। हरिशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं। अब देखिए, हरिशंकर भट्टाचार्य हैं, ये हैं अपने सितार के उस्ताद हैं। अब देखिए, सितार के और कौन कौन से उस्ताद हैं, सितार के एक उस्ताद है पंडित रविशंकर, दूसरा निखिल बनर्जी, तीसरा विलायत खान, चौथा है अरविंद पारेख। ये सभी किससे रिलेटेड हैं, ये सभी सितार से रिलेटेड हैं। अब यही बात करते हैं वायलिन के उस्ताद। देखिए, वायलिन के उस्ताद यहाँ पर हमें दो नाम याद रखने पड़ेंगे, एक है के सुब्रमण्यम, दूसरा के वैद्यनाथन। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, ये दोनों वायलिन के उस्ताद से रिलेटेड हैं। अब देखिए, तीसरा नाम मैं आपको और बता दे रहा हूँ, वो है रागिनी शंकर। रागिनी शंकर भी वायलिन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, संतूर से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो संतूर से हैं शिव कुमार शर्मा, दूसरा भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड हैं, वो हैं संतूर से। अब हम बात करते हैं सारंगी से कौन कौन है। सारंगी से एक हैं बंधु खान और दूसरा सुल्तान खान, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, सारंगी से। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, जो चिथरई उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, चिथरई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है तमिलनाडु। अब देखिए, तमिलनाडु में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। अब देखिए, एक उत्सव है चित्रार्थी और चिथरई, दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, ये मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। अब देखिए, और दूसरा कौन सा है, जलीकट्टू, तीसरा पोंगल, चौथा महामजम, और ये पांचवा है पुंथड़ू। अब देखिए, पुंथड़ू को ही हम न्यू ईयर ऑफ द तमिलनाडु भी कहते हैं। अब देखिए, जलीकट्टू है तो जलीकट्टू उसी को हम क्या कहते हैं, बुल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, व्हेन डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप टाइटल इन हॉकी। अब देखिए, हॉकी में इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था, जो इंडिया ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था वो कब जीता था, 1975 में, सिर्फ अब तक एक बार ही जीता है। और जब जीता था उस समय जो कैप्टन थे वो कैप्टन कौन थे, अजीत पाल थे, और किसको हराया था, वो हमने
पाकिस्तान को हराया था, और जब हमने जीता था उस समय आयोजित कहाँ हुआ था, मलेशिया में आयोजित हुआ था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। अब देखिए, जो हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1971 में। वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था बार्सिलोन स्पेन में। अब इसका विनर कौन था, जो पहला इसका एडिशन हुआ था उसका विनर था पाकिस्तान, और किसको हराया था, वो हराया था स्पेन को। अब देखिए, हाल ही में 2023 में हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो इंडिया में हुआ है। इंडिया में कहाँ पर, भुवनेश्वर नगर उड़ीसा में हुआ है। इसके विनर कौन है, इसके विनर है जर्मनी, और किसको हराया है, बेल्जियम को हराया है। क्वेश्चन नंबर 7, अब उसने ये पूछा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा वोकल फॉर म्यूजिक है किस स्टेट का, पंजाब का। अब देखिए, पंजाब के जो वोकल स्टेट हैं मैंने आपको एक साथ लिख दिए, जैसे टप्पू कहाँ का है, वो है पंजाब का, जुगनी, सुहाग, लोरियन और धोरियन, ये सभी कहाँ के हैं, पंजाब के। देखिए एक बार फिर से आप याद कीजिए, टप्पू, जुगनी, सुहाग, लोरियन और धोरियन, ये सभी कहाँ के स्टाइल हैं, ये पंजाब के वोकल फॉर्म के म्यूजिक स्टाइल हैं। अब देखिए, अब हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। देखिए टोटल ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, जिसमें AFBU मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा US ओपन। अब इसमें जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना कौन है, विंबलडन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, और ये किस पर खेला, और ये कौन सा, ये सबसे पुराना है। अब देखिए दूसरा कौन सा है, फ्रेंच ओपन, जो कि 1821 में शुरू हुआ था, जो मिट्टी पे खेला जाता है। अब तीसरा है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो 1891 में स्टार्ट हुआ, और ये किस पे खेला जाता है, ये आपसे पूछ लेता है कि ये ऑस्ट्रेलिया ओपन किस पे खेला जाता है, तो ये किस पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब देखिए चौथा कौन सा, US ओपन, जो 1905 में स्टार्ट हुआ था, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब देखिए हाल ही में 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, उसका मेल विनर कौन है, उसका मेल विनर है जानिक सिनर, जो कहाँ से है, इटली से बिलोंग करते हैं, और जो फीमेल है वो कहाँ की है, वो फीमेल है आरेना साबलिंको। अच्छा तीसरे जो युगल है वो कहाँ के हैं, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन दोनों ने जीता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स की, जैसे किरण देसाई की कौन सी बुक को किस बुक को बुकर प्राइज मिला है। देखिए तो जो किरण देसाई हैं उनकी एक बुक है था इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस, इसी को 2006 में उनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। अब देखिए इनकी और बुकों को भी हमें जानना पड़ेगा, जैसे एक है एम्बलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक भी किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। यानी कि एक और बुक है हल्ला बाला इन गुआना और कार्ड, ये भी किसकी है, ये भी किरण देसाई की है। देखिए अनीता देसाई और किरण देसाई दोनों आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें अनीता देसाई की जो बुक है वो क्या है, फास्टिंग फीस्टिंग, और दूसरी कौन सी, इन कस्टडी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन डिड फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टेक प्लेस। अब देखिए इसका जो पहला सेशन वो कब हुआ था, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई, वो किस पर बेसिस हुई थी, वो फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। अब देखिए इसका जब पहली जो असेंबली हुई थी उसका फर्स्ट स्पीकर कौन था, वो स्पीकर कौन था, जे बी कृपलानी थे। इसका जो अस्थाई ऐसे टेम्परेरी जो अध्यक्ष था वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्परेरी अध्यक्ष थे। अब इसको हम 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को हम स्थाई यानी परमानेंट अध्यक्ष बना देते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही उसके टोटल कितने सेशन हुए थे, उसके टोटल 11 सेशन हुए थे, जिसमें जो पहला सेशन हुआ था वो 9 दिसंबर और 23 दिसंबर तक चला था, 1940 तक चला। अब देखिए फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था, और जिसको जो अक्टूबर 1947 में आया था, जिसमें टोटल 243 आर्टिकल बताए गए थे, किसके द्वारा, बी एन राव के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड बाय द, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कब फॉर्म हुई थी, किसके थ्रू फॉर्म हुई थी, तो वो फॉर्म हुई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब आया था इंडिया में,
जो 1940 में 24 में 1940 को दिल्ली आया था, जो पेश कब हुआ था, पेश हुआ था 16 मई 1940 को। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे, इसमें टोटल सदस्य 13 थे। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन, इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कमेटियाँ थी वो कौन सी कमेटी किस रिलेटेड थी। अब देखिए, चेयरमैन ऑफ द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो किस रिलेटेड थी, वो सरदार पटेल से रिलेटेड थी। अब देखिए, जो सरदार पटेल थे उनके पास और कौन कौन सी कमेटियाँ थी, तो सरदार पटेल के पास एक कमेटी थी मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, ये भी किस पर थी, ये भी हमारे सरदार पटेल पर थी। अब देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति वो किस पर थी, वो थी जे बी कृपलानी के। अब देखिए, जो अल्पसंख्यक उप समिति थी वो किस पर थी, वो थी एच सी मुखर्जी पर थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी दो समितियाँ थी, उनके पास एक समिति थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दूसरी थी यूनियन पावर्स कमेटी। ये दोनों किस पर थी, ये दोनों थी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। देखिए, राजेंद्र प्रसाद इकलौते एक कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी इसके इसके इन्हीं की थी, इनके द्वारा की गई थी। अब देखिए, अब देते हैं हम जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसमें टोटल कितनी महिला थी और कितनों के साइन मिलते हैं। देखिए, टोटल जो महिला थी वो 15 महिला थी, इसमें से जो हस्ताक्षर मिलते हैं वो 11 के मिलते हैं, जिसमें कौन कौन सी थी। देखिए, विजयलक्ष्मी पंडित थी जिनका इस्तीफा दे दिया था जिन्होंने, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर जो पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी इंडिया की, तीसरा सुचेता कृपलानी जो पहली सीएम कौन है, महिला सीएम थी यूपी की, सरोजिनी नायडू जिनका निधन हो चुका था, तथा लीला राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और कौन था, हंसा मेहता, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका राय और मालती चौधरी, इनका भी इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। दूसरा दक्षिणाई वेलायुधन, दक्षिणाई वेलायुधन एक अकेली महिला है जो दलित है। दूसरी बेगम एजाज, बेगम एजाज एक इकलौती महिला है जो मुस्लिम थी, एनी मस्करीन, और अम्मू स्वामीनायन जो दक्षिण भारत की पहली महिला थी, और कौन थी, पूर्णिमा बनर्जी, ये कौन थी, ये भी एक थी। तो टोटल कितनी थी, वो 15 थी। अब देखिए, ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, अब देखिए सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, हथनोरा से मिलते हैं, जो 1982 में मिले थे, और ये किस नदी के तट पर है, ये नर्मदा नदी के तट पर है। अब देखिए, वी एस बाड़कर के द्वारा 1957 में भीमबेटका की खेप खोज करी गई, जो यूनेस्को में कब जोड़ा गया, 2030 में 2023 में यूनेस्को में ऐड किया गया, जो महाभारत पर आधारित है। अब देखिए, जो सबसे पुराना साक्ष्य एग्रीकल्चर का कहाँ से मिलता है, तो देखिए एग्रीकल्चर का सबसे पुराना साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है मेहरगढ़, जो कि आज कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या हमें मिलता है, गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें यहीं से मिलते हैं, और यहीं से हमें स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। अब देखिए, वर्तमान में जो लहुरा देव है वो कहाँ पर है, यहाँ वो कहाँ पर है, यूपी में है, संत कबीर नगर में, जिसमें अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पुराना साक्ष्य किस चीज़ का मिला है, तो देखिए आज भी खोज चल रही है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ चावल का साक्ष्य सबसे पुराना मिला गया है, वो क्या है, 9000 ईसा पूर्व का मिला गया है। देखिए, नवदा टोली कहाँ पर लोकेटेड है, तो नवदा टोली कहाँ लोकेटेड है, वो है मध्य प्रदेश में। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एच डी सांकलिया, किसने खोज की थी, एच डी सांकलिया। और लोथल एकमात्र डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। अब देखिए, रोपड़ कहाँ पर पड़ता है, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में। बनावली हरियाणा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, यूपी में। यहीं से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहीं से हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप टोटल उसकी जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो कितनी है, ये हमसे पूछा है, तो हम टोटल कोस्ट लाइन एरिया की बात करते हैं। टोटल स्टेट कितनी है, टोटल 9 स्टेट है। अब देखिए, सबसे लंबी सीमा इंडिया जो कोस्ट लाइन शेयर करता है वो कौन कौन सी स्टेट करती है। देखिए, पहले नंबर पे आता है हमारा गुजरात, जो गुजरात है टोटल 1214 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया
सो करता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जो कि समुद्री सीमा 973 किलोमीटर करता है। फिर तमिलनाडु है 906, और फिर है महाराष्ट्र 652। अब देखिए यहीं पर हम बात करते हैं कि सबसे कम समुद्री सीमा कौन साझा करता है, तो वो कौन करता है, गोवा करता है। कौन, गोवा करता है। अब देखिए सबसे लंबी समुद्री सीमा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी करती है, वो करती है अंडमान निकोबार, और सबसे कम कौन सी करती है, वो करती है लक्षद्वीप। अब देखिए यहीं पर हम बात करते हैं डिग्री चैनल, मतलब कौन सा किस डिग्री चैनल से अलग हुआ है। यही हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 11 डिग्री चैनल किसको करता है, अमीनी द्वीप और किन्नौर को अलग करता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो अपना इंडिया का मैप है उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट का हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो कौन सा हमारा किबूथू है। यहाँ पर कौन कौन सी डिग्री पर है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है। अब यहीं पर हम बात करते हैं वेस्ट में ग्वारमोती, ग्वारमोती कहाँ पर है, वेस्ट का पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, ग्वारमोती, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ये कौन सा, 67 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब यहीं हम बात करते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ में पॉइंट कौन सा है, वो है इंद्राकोल पॉइंट है, और साउथ में कौन सा है, साउथ में है कन्याकुमारी। ठीक है, अब देख सन अपीयर फर्स्ट, सबसे पहले सन अपीयर कहाँ होता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा गांव है, वो डोंग गांव है, जिसकी 1999 में खोज हुई थी। सबसे लेट सन कहाँ अस्त होता है, तो वो कौन सा होता है, वो गुजरात में होता है। हु असेस पॉवर्टी इन इंडिया, देखिए पॉवर्टी कौन असेस करता है, तो वो करता है नीति आयोग वर्किंग ग्रुप। अब देखिए इससे पहले कौन करता था, इससे पहले करता था, इससे पहले करता था NSSO और CSO दोनों मिलके वो करते थे, जिसका विलय हो गया 23 मई 2019 को। फिर एक नई कमेटी बनी, वो कौन सी थी, MOSPI, MOSPI मतलब मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक्स एंड वर्किंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें इसने जारी करना शुरू कर दिया। अब देखिए 5-ईयर प्लान की बात करते हैं, तो देखिए 5-ईयर प्लान हमारा कब शुरू होता है, 5-ईयर प्लान हमारा 1951 से, पहला 5-ईयर प्लान 1956 तक चला, दूसरा 1956 से 61 तक, तीसरा 1961 से 66 तक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, गैप था, गैप कितने का था, 1966 से कब तक था, 68 तक हमारा, यहाँ पर 69 तक गैप रहा था। ठीक है, ये याद रखना है, और फिर 69 से 74 तक चला, फिर 1974 से 78 तक चला। देखिए फिर यहाँ पर गैप है, यहाँ पर भी गैप कितने का है, यहाँ भी गैप है, 2 साल का गैप रहा था, तो 1978 से 1980 तक गैप रहा था, फिर 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1992 से 1997, यहाँ पर भी 2 साल का गैप रहा है, तो गैप रहा कितना, तो टोटल गैप कितने का रहा है, ये भी आपको याद रखना, टोटल जो गैप है वो कितने का रहा, 7। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो देखिए जो हमारी लास्ट में थी, यानी जो 12वीं थी, वो कब हमारी समय से पहले ही 2015 में ख़त्म कर दी गई, इसी समय क्या आ गया था, इसी समय नीति आयोग आ चुका था। देखिए विटामिन डज अवर बॉडी मेक्स, अपनी बॉडी कौन कौन से विटामिन बनाती है, देखिए विटामिन डी और विटामिन के किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अपनी बॉडी भी बना लेती है। अब हम बात करते हैं फेमस स्टेडियम ऑफ इंडिया हैज बीन रिनेम्ड एज द निरंजन शाह स्टेडियम, देखिए कौन सा स्टेडियम जिसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है, तो वो कौन सा है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अब देखिए अब हम बात करते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में है। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर है, यह है मुंबई में। अब देखिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। अब देखिए अदिति सेंडे जो पहली साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट टू विन द GD बिरला अवार्ड, देखिए GD बिरला इन्होंने जीता है। अब देखिए GD बिरला किसको दिया जाता है, GD बिरला 50 साल से कम की उम्र वालों को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991 में शुरू हुई थी। अब देखिए अब हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2024 की, जो किस मूवी को मिला है, वो मिला है जवान मूवी को, और कौन से अभिनेत्रा को बेस्ट अभिनेत्रा अवार्ड मिला है, वो किसे मिला है, शाहरुख खान को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है, वो नयनतारा किस मूवी के लिए, जवान मूवी के लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड
एट द ICC 2023 में किसे मिला है? वो मिला है पैट कमिंस को। अब देखिए ICC अवार्ड भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। मैच ODI में किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। टेस्ट ODI में किसे मिला है? उस्मान खाना। और T20 में किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। देखिए यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो अभी IPL था, IPL में इकलौती फीमेल थी जिन्होंने, मतलब जो सेलेक्ट कर रही थी, फीमेल कौन सी थी, फीमेल जो स्पॉन्सर थी वो कौन सी थी, स्पॉन्सर उसका नाम बताइए, जो फीमेल सेलेक्ट करता थी उनका नाम बताइए। देखिए ये क्या है, आपकी 20 मिनट के अंदर जो भी आपका पहला प्रैक्टिस सेट है उसका मैंने पूरा रैपिड रिवीजन कराया है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।